खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध बड़वारा क्षेत्र में किए जा रहे अवैध खनन की अनदेखी से खदान में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जबकि प्रशासन को ऐसे अवैध खनन के बारे में पहले ही चेताया जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने लगातार नजरअंदाज करने और लापरवाही का खामियाजा 2 बच्चों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। कटनी जिले का बड़वारा क्षेत्र खनिज संपदा के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र में रेत से लेकर डोलोमाइट तक की खदान है। इन खदानों से सरकार को भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन इन्हीं जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के कारण आए दिन इंसानों और मवेशियों की मौतें हो रही हैं। इसके अलावा किसानों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारी लगातार नजरअंदाज करते चले आ रहे थे। मृतक बच्चों के पिता बलवीर सिंह का कहना है कि रोज की तरह जब अपने खेत में काम करने के लिए आए हुए थे, इसी दौरान खेत के बगल खदान के गड्ढे में गिरने से मेरे दोनों पुत्र डूब गए और दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। सर उधर रोपा लगा रहे थे, सुबह से गए थे हम लोग, पूरा दिन बच्चे भी रोपा डो ढो कर दे रहे थे लगाने के लिए। हर 5:30 बजे के करीब कोई निकले है खेलने के लिए, तो फिर हम देखे 10-15 मिनट बाद बच्चे नहीं लौटे, तो फिर मैं खेत के मेड़े मेड़ जा रहा था, हमारे जो खेत के बगल से माइंस वाले गड्ढा कर किए हैं उसमें दोनों बच्चे गिर गए थे, तो छोटा वाला उतरा रहा था और बड़ा वाला नीचे चला गया था। और इनका लापरवाही है माइंस वालों का, जो भी पत्थर चेक किए हैं गड्ढा करके उसको लेवल नहीं किए। इस मामले पर गोडवाना गणतंत्र पार्टी ने शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद धरने को समाप्त कर शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। गोडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम ने बताया कि बड़वारा इलाके में लगातार पूंजीपति नियमों के विरुद्ध डोलामाइट का खनन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां के आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बड़वारा क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में 2 बच्चों जो आदिवासी समाज गौण समाज से आते हैं, उनको खदान में डूबने से मौत हो गई है ना। उस मौत में हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन से जाँच की मांग की है कि जो नियम विरुद्ध यहाँ पे खदानें चल रही हैं उन खदानों पे तत्काल जांच की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अगर जो अवैध तरीके से पाए जाते हैं उनको सील किया जाए। और उसमें एक और मांग रखी है हमने कि पीड़ित परिवार के जो दो बच्चे खत्म हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए दिया जाए और लंबे समय से इस क्षेत्र में माइनिंग इंस्पेक्टर जो हैं इस क्षेत्र के, उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है क्षेत्र में। हम उनको चाहते हैं कि ये सारे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ उनको बर्खास्त किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा हम लोगों ने मांग रखा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।